भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन रोहित शर्मा का धमाकेदार तूफान देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के परखच्चे उड़ा दिए। आपको बता दें कि 161 रन बनाकर रोहित शर्मा जैक लीच का शिकार बने। जैक लीच की घूमती गेंद पर रोहित शर्मा स्वीप शॉट खेलने जा रहे थे, जो कि आज उन्होंने जमकर खेला, जिसके बाद उसी स्वीप शॉट पर वो मोइन अली को अपना कैच दे बैठे, जिसके बाद साफ तौर पर इंग्लिश टीम पूरे तरीके से खुशी का जश्न मनाने लगी। हालांकि रोहित शर्मा ने अपने 161 रनों की पारी से भारत को एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचा दिया जहां से भारत एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। शुरुआत में तीन झटके लगने के बाद उन्होंने रहाणे के साथ 162 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसकी बदौलत यहां पर टीम इंडिया एक कमांडिंग पोजीशन पर आ चुकी है। रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 18 चौके और 2 छक्के जड़े, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, पिच पर लग ही नहीं रहा था कि जान है। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद पिच में सब कुछ दिख रहा है, टर्न और बाउंस सब कुछ, लेकिन उसके बाद यहां पर आपको बता दें कि रोहित शर्मा का विकेट जिस तरीके से गिरा, उसके बाद पूरे स्टेडियम में एक तरीके से मायूसी छा गई। हालांकि हर किसी ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दी, उनको शानदार सम्मान दिया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने जो पारी खेली है वो वाकई में काबिले तारीफ पारी थी, जिसकी वजह से उनकी हर जगह तारीफ हो रही है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।